नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का फॉर्म कैसे भरना है आपने। तो दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको बता दूं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड से फॉर्म न भर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से भरते हैं। तो दोस्तों, एनआईओएस बोर्ड में बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग चेन नेटवर्क है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर बार की तरह मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके आता हूँ, www.careerinfovizinstitute.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है और नीचे जा करके आपको एनआईएस बोर्ड का लिंक ढूंढना है। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सिंपल है और मैंने जो वेबसाइट बनाई है आप लोगों की मदद के लिए बनाई है। तो ये देखिए, एनआईएस और ओपन स्कूलिंग, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लोग प्रोस्पेक्टस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2018-19 प्रोस्पेक्टस। और ये देखिए, क्लिक टू गो मेन पेज ऑफ एडमिशन, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ये आ गया है। जो लोग अभी अक्टूबर में एडमिशन करवाना चाहते हैं, अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं और जो लोग अक्टूबर में पेपर देना चाहते हैं, ये उनके लिए है। साल में दो बार पेपर होता है ओपन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक वन और ब्लॉक टू। तो जो भी लोग ब्लॉक वन में पेपर देते हैं वो अप्रैल में होता है और ब्लॉक टू में जो पेपर होता है वो अक्टूबर में होता है। तो ये जो एडमिशन फॉर्म है, ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, हरी अप रजिस्टर फॉर स्ट्रीम वन ब्लॉक टू अक्टूबर 2019, जो लोग अक्टूबर में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए है। फॉर्म भरने का सबसे बिल्कुल बेस्ट और सिंपल तरीका है दोस्तों, ये देखिए, आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको सारा जो गाइडेंस है, यहाँ से जो आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है, देखिए ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे गए ना, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर। अब ये देखिए, ये टोटल 6 स्टेप फॉलो होंगे। पहला स्टेप क्या है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, बेसिक डिटेल्स आपको शेयर करनी है। बेसिक डिटेल्स में आपके फादर का नाम, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो है। उसके बाद क्या है, ऑप्शनल डिटेल। ऑप्शनल डिटेल का मतलब ये है कि ये आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है। और इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, चाहे वो 10th क्लास है, 12th क्लास है, जिसके लिए भी आप आगे परस्यू करना चाहते हो। और उसके बाद ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और लास्ट में ये फाइनली चेक किया जाएगा कि जो भी आपने भरा है वो सही है कि नहीं। तो ये सबसे पहला स्टेप है, यानी टोटल अगर आप लोग एनआईओएस बोर्ड ओपन स्कूलिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो टोटल आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो वो आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 6 स्टेप कौन कौन से हैं, तो मैं यहां से आपको हेल्प करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। लाइक मैं जैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हरियाणा आएगा। उसके बाद चाहे आप आधार कार्ड, जो भी आप आईडी नंबर डालना चाहते हैं, जैसे मेरे पास पासपोर्ट है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट का नंबर डालना है, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है। और उसके बाद आपको 10th क्लास के लिए अप्लाई करना है तो आप सेकेंडरी चूज करोगे, और 12th क्लास के लिए अप्लाई करना है तो सीनियर सेकेंडरी चूज करोगे। सपोज कीजिए मुझे 10th क्लास के लिए अप्लाई करना है, तो ये करके, और ये देखिए मेरा ये वैलिड नंबर नहीं है, तो जो भी मेरा ओरिजिनल नंबर है, आईडी नंबर है, वो मैंने डालना है यहाँ पे। और जैसे ही आप डालेंगे फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये पूरा बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल है फॉर्म भरना। तो ये मैंने गलत नंबर डाला है, बट आपको सही नंबर डालना है। उसके बाद सेकेंड ये कहाँ चले जाएगा, बेसिक डिटेल्स पर। तो बेसिक डिटेल्स पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो जैसे ही आप लोग बेसिक डिटेल पर क्लिक करेंगे, या जो भी आप लोग यहाँ पे अपना आईडी नंबर डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे पासपोर्ट की जगह आप और भी कुछ चूज कर सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी आपको लगता है, या जो भी है बैंक सर्टिफिकेट या बैंक अकाउंट डालना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बार अपना बैंक अकाउंट डालता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट डालता हूँ, जो भी हमारे करियर इंस्टीट्यूट है, जो हमारी कंपनी है, उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है 502 000 152 152 56 56 6832, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इस पे डाला तो आप ये देखिए, ये सबमिट हो गया है, सही है ना। तो आप देखो कितना सिंपल है यार ये चीजें, ना बहुत आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करना है, तो नाम जो भी आपका नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, विनय राय है ना। फादर का नाम क्या है, ओ पी राय। मैं पहले भी काफी बार ये चीजें शेयर कर चुका हूँ, MANJU मंजू
आरएआई राय है ना। और यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो डे कौन सा है 07, ठीक है जी 05, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, और जो भी आपका आता है 1992, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सेलेक्ट करके आगे चल सकते हो। जेंडर में ये मेल आ गया है। फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो जो हमारी कंपनी का जो मोबाइल नंबर है मैं वो डाल देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए अच्छे से, है ना। और यहाँ पे 7027333764, ये हमारी कंपनी का नंबर है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है, ये हमारी कंपनी का है। तो मैं अब जैसे ही डालूंगा ना दोस्तों, तो ये जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पे आके इसका ओटीपी जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ओटीपी जनरेट हो जाएगा, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा आधार नंबर पे, ये ओटीपी वगैरह पे ये जनरेट करने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मेल आईडी पे मेरी एक ओटीपी आया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ जो भी मेरी मेल आईडी है ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अपनी मेल आईडी खोल देता हूँ, है ना। और यहाँ से मेरी मेल आईडी है careerinfowizinstitute.in। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेल आईडी, एक ओटीपी आया होगा, मोबाइल नंबर पे भी आता है और मेल पे भी आता है, दोनों पे आता है। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, फॉर्म भरना बहुत सिंपल है, खुद फॉर्म भरिए, किसी और पे विश्वास मत कीजिए, कहीं फॉर्म आपका आगे पीछे हो गया दोस्तों तो आपका जो पूरा 1 साल है वो खराब हो जाता है ना। तो ये सब चीजें बहुत ही टेक्निकल है जो समझने वाली है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। और ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिसकी वजह से क्या है कि आपका पूरा 1 साल खराब हो जाए, है ना। ये देखो ओटीपी आ गया ना मेरे पास, अपडेट्स के अंदर आ गया है, मेरे पास ओटीपी आ गया है। तो मैं यहाँ से ओटीपी खोलता हूँ, तो देखो मेरा ओटीपी ये आ गया मेरे पास 76। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी कर लिया है। और मैं इसको क्या करता हूँ, जो भी हमारा टैब है उसमें ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया ये रहा, है ना। तो यहाँ से कंट्रोल वी दबा दिया है मैंने और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो मुझे इसको 10 मिनट का टाइम भी मिलता है। ओहो, और ये मोबाइल पे भी ओटीपी आया हुआ है, देखिए अब ये मोबाइल पे ओटीपी जो आया हुआ है ना, ये मेरे ऑफिस का नंबर है तो इस टाइम मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक आइडिया लगाने के लिए आपको बता दिया है ना, और 10 मिनट के अंदर आप ये ओटीपी डाल सकते हो। तो ये आपको एक आइडिया लगने के लिए, मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चीजें बताई हैं। तो यहाँ से देखो सेकंड स्टेप भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, फिर आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो आपका जो भी मन करता है, कोई भी आप 5 सब्जेक्ट चूज करके आप इसको भर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने जैसा कि आपको दिखाया है, तो ये आपको इस तरीके से भरना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ एक वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इससे बचने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ यहाँ से, और मैंने आपको इस वीडियो में पूरा आइडिया दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है SDMIS.NIS.AC.IN पर। उसके बाद आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और उसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए थर्ड स्टेप आपको बताया हुआ है, आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ के क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको स्टेट चूज करना है, ठीक है जी। और स्टेट चूज करने के बाद नेक्स्ट क्या है, आपको आइडेंटिटी टाइप, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालिए, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, जो भी है आपके पास वो डाल दीजिए। और ये डालने के बाद, ठीक है जी, ये डालने के बाद आपसे जो नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको 10th क्लास के लिए भरना है कि 12th क्लास के लिए भरना है। तो अगर 10th क्लास के लिए भरना है तो सेकेंडरी चूज कीजिए, और 12th क्लास के लिए भरना है तो सीनियर सेकेंडरी चूज कीजिए। और जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन विल सेपरेट। अब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, 10th के लिए अलग सिस्टम है, 12th के लिए अलग। तो जैसे ही आप लोग करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाएंगे और आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, उसके बाद ऑप्शनल डिटेल, सब्जेक्ट सिलेक्शन और स्टडी सेंटर सिलेक्शन, ये 4 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले आपने बेसिक डिटेल डालनी है, और बेसिक डिटेल में आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, और एक ईमेल आईडी आपसे मांगा जाएगा। तो आप अपने पास ईमेल आईडी पहले से ही बना करके रखें, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो गूगल पे ईमेल आईडी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल होता है। और जैसे ही आपने वो भर दिया, उसके बाद आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैंने आपको यहाँ तक पूरा प्रोसेस करके दिखाया है, तो ये आप जैसे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद ये आपको ऑप्शनल डिटेल डालनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर ये सारा सिंपल जो है आगे पेमेंट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू जो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एनआईएस बोर्ड का फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन, मैंने आपको अपलोड करना सिखाया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो नए बैचेस हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं,